हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर हाइपर जेंट पॉइंट टेक में। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकर अपने गेम खेलने से पहले एक मीम देख लीजिए जिससे मेरा मूड पूरा फ्रेश हो जाए। मालता का सुल्फा सरार ठा गया बखारे कर अग फैर हो गए तमारे मालता का सुल्फा सरार ठा गया। हाँ, मीम कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अपने गेम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बैड वर्ड्स के। ये क्या है, एक रूखा सूखा पेड़। इसे शायद देखते हम लोग के कुछ क्या कहते हैं वो औजार औजार बना पाए, पिकैक्स या सॉल्ट, देखते हैं कुछ बन पाए इससे। वैसे भी गए थे रूखा सूखा पेड़ यहाँ सड़ी रहा है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और गाइस अगर आप लोग अब तक मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जाइए उसको टैप करिए, उसको ज्वाइन करिए। और ये मेरी माइनक्राफ्ट की शायद थर्ड पार्ट है, इससे पहले भी मैं डाल चुका हूँ दो, एक रॉयल बेस की और एक रॉयल हाउस की, एक सीक्रेट बेस और रॉयल हाउस की वीडियो। वो भी अगर आप लोग नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाइए देखिए उसको भी। और ये शायद मेरी वीडियो बैक टू बैक सेकेंड वीडियो आएगी, 2 days टू वीडियोस, देखते हैं अभी आज क्या करें। रॉयल बेस वगैरह तो हो चुका है, माइनिंग करके देखते हैं। ओ भाई साहब, डर तो पूरी कम हो गई तक कूदने में। देखते हैं यहाँ से जाके क्या होने वाला है। हम लोग ने वुड है, वुड तो ले रही है ट्री की, उससे शायद हम लोग अभी देखेंगे तो पिकैक्स या सॉल्ट के लिए तैयारी हो सकती है हमारी अच्छी खासी। सॉल्ट और पिकैक्स के लिए उन्होंने वुड पर्याप्त है हमारे पास मेरे ख्याल से। ये देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे शायद एक केव थी ना, आई सॉ केव हियर या इस यहाँ, तो ये ओह आई एन और यस। हम लोग जल्दी से एक पिकैक्स बना लेते हैं, हमारे पास वुड प्लैंक्स आ चुके हैं। अब इससे पिकैक्स की तैयारी करेंगे। माइन वो कहाँ है, क्राफ्टिंग टेबल पहुँच जा सकती है, हमें तो एक ही क्राफ्टिंग के टेबल की ज़रूरत है। चलिए, तो क्राफ्टिंग टेबल हमारे पास आ चुकी है, इससे देखते हैं हम लोग क्या बना पाएंगे। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ लगा देते हैं। अब एक पिकैक्स ही बनाएंगे, पहले स्टिक लेंगे सबसे पहले, तो स्टिक की ज़रूरत है। हाँ, 4 स्टिक आ गई हमारे पास। अब पिकैक्स देखते हैं, उसको माइनिंग करेंगे शायद हम लोग। मुझे तो नहीं लगता कि वुडन वुडन पिकैक्स हम लोग को आयरन और मिल सकता है, ट्राई कर सकता हूँ लेकिन। देखते हैं क्या होगा। चलिए, एक पिकैक्स आ गया हमारे पास वुडन वाला, और यहाँ पे वुडन सॉर्ड भी आ चुकी है हमारे पास। और वीडियो को आगे बढ़ते हैं, इतना ठीक है, सामान बहुत है, लालच से ज़्यादा लालच बुरी वाला है। देखते हैं इतना वुडन ये ले रहे थे अपनी क्राफ्टिंग टेबल। अब चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस जिन्होंने मेरी पहली पिछले वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कर डाली थी, वो भी आप लोग देख लीजिए जाके, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अमंग अस विद जीठलाल और विनोद। उसमें मैं पता नहीं क्या हुआ था कि मैं 4 बार मैंने गेम खेला और मैं 4 बार लगातार इम्पोस्टर बना, बैक टू बैक इम्पोस्टर। ओ माय गॉड, ये क्या है, आई थिंक सो डायमंड है, कुछ दिख नहीं रहा ढंग से। नहीं नहीं, ये डायमंड सॉर्ड, वाओ डायमंड सॉर्ड। चलिए, हम लोग यहाँ डायमंड सॉर्ड तो मिल ही चुकी है, और दूसरे में देखते हैं दूसरा कहाँ ये रहा। अरे गवाह, आयरन पिकैक्स। अरे भाई, मैं शायद आयरन पिकैक्स नहीं ली, आयरन पिकैक्स नहीं ली मैंने शायद। एक बार देखते हैं दोबारा कहाँ गया आयरन पिकैक्स वाला। हाँ, आयरन पिकैक्स, हाँ गोल्डन एप्पल का चब। अब तो हम लोग, ओह माय गॉड, इतना सारा डायमंड, डायमंड लेने में शायद आसानी रहेगी मेरे ख्याल से। इस पिकैक्स से आ जाएगी, सारे आयरन हमारे पास आ जाएंगे। आयरन को लेके देखते एक बार, आयरन और ऑल्दो हमारे पास तो अभी वो भी है, डायमंड्स भी जो कि मैंने पीछे देखे हैं। मैं वहाँ पर भी चलूँगा, पहले अपना ये ले लें आयरन्स। एक तो यहाँ पे दिक्कत तो है, कोई टॉर्च ही नहीं है, ना ही बहुत अंधेरा सा है, टॉर्च होती तो ज़्यादा दिखता, उजाला है लेकिन दिख नहीं रहा। ओ अरे दो, ये तो गोल्ड की खान है, डायमंड डायमंड की खान है तो। गजब, हम लोग को डायमंड मिल जाएंगे यहाँ से, और आयरन शॉट से तो बहुत आराम से, आयरन शॉट बोला सॉरी, आयरन पे कैसे तो बहुत आराम से डायमंड मिल जाएंगे, आयरन भी मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं डायमंड से बनाऊँ क्या,
अरे हाँ, मैं पूरा सुरक्षा कवच बना लूंगा आज, देखते हैं। सारे डायमंड मिल गए, सर्वाइवल में माला माल, इसका तो यही होना चाहिए था टाइटल, सर्वाइवल में माला माल। देखते थे सारे डायमंड का, पर ऐसे डायमंड ले लिए जाए यहाँ से जल्दी जल्दी। मेरे साथ पहली बार होगी मुझे इतने सारे डायमंड एक साथ मिले हो। वैसे तो ऐसे हाँ मिले हैं डायमंड मिले हैं, लेकिन इतने सारे एक साथ नहीं मिले। हाँ आयरन तो बहुत मिला है, कोल भी, लेकिन हाँ ये डायमंड से तो सारे पहली बार मिले हैं। देखते हैं जल्दी से इनको ले लिया जाए, अंदर जाके भी ले लेते हैं डायमंड। डायमंड है ना अंदर शायद, खत्म हो गए? नहीं है, है अंदर है शायद। यहाँ से भी डायमंड्स को ले लेंगे जल्दी जल्दी से। पहली बार हुआ है गैस, कितने सारे डायमंड एक साथ मिल रहे हो। वैसे डायमंड तो मिलते रहते हैं शरीर इतने सारे ही, लेकिन और दो ये सारे भी नहीं है कि बहुत सारे हो डायमंड, वो भी हैं। तो चलो पहले वहां पे चल के डायमंड्स ले लेते हैं। बाहर चल, बाहर बहुत भारी हो रहा है, जैसे इतना सारा सामान मिल चुका है, बहुत हैवी लग रहा है थोड़ा सा। हाँ लग नहीं रहा कि अब ज्यादा देर तक और टिक पाएगा ये। 19 है माइनक्राफ्ट में तो भैया, देखते हैं क्या क्या होने वाला है अब डायमंड से। ओ ओ सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सीधे वहां पे जाता हूँ ना, आयरन से सीधे यहाँ पे जाओ। अरे नहीं, हाँ हाँ डायमंड से तो मुझे सुरक्षा करके सारे जाएंगे। डायमंड शॉट भी आ रही है, डायमंड पिकैक्स वैसे तो नहीं मिल पा रही है। आयरन आयरन शॉट भी आ रही है, लेकिन आयरन पिकैक्स है हमारे पास, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। आयरन शॉट भी है, आयरन पिकैक्स नहीं है, डायमंड पिकैक्स है। मेरे ख्याल से ये पहले लेते हैं, डायमंड हेलमेट सब कुछ आ गया है मेरे ख्याल से। डायमंड हेलमेट लिया नहीं मैंने, से गोल्डन एप्पल से मैं क्या कर रहा हूँ, आयरन पिकैक्स से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये सारे डायमंड मिल ही चुके हैं, और देखते हैं ले ले पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है। वाटर पे पानी में जाए पहले जल्दी से। हाँ स्पीड आ गई वापस, अब यहाँ से आयरन और ले लिए जाए, डायमंड अब छोड़ देते हैं, इतने काफ़ी हैं। बराबर सारे डायमंड यहाँ से निकाल लिए जाए, वरना इससे पहले कोई और अकेले हम लोग सब उठा रहे हैं। हर बार की यह बात होती थी गाइस कि मुझे कोल ज़्यादा मिलता था और आयरन और डायमंड तो बिल्कुल ना के बराबर, आयरन डायमंड गोल, लेकिन आज उल्टा हो गया, कोल मिला ही नहीं और आयरन और डायमंड मिले पड़े हैं, मिले पड़े हैं। देखते हैं और कुछ हो, डायमंड तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थे, वापस उनको चल के ले लेते हैं। अब तक कोई खतरा तो सामने नहीं आया है। हाँ डायमंड है, डायमंड है, मैंने सही सोचा, डायमंड अभी हैं, ये ले लें। उसके बाद सारे डायमंड का हेलमेट सब कुछ ले लेंगे, डायमंड शॉट तो है ही है, पिकैक्स बन नहीं सकती और लेके शायद पिकैक्स भी हो जाए। आज का दिन तो भैया गजब का हो गया, इतना सारा सब कुछ मजा आ गया, मतलब कि बिल्कुल मजा आ गया इतने सारे डायमंड देख के। पहली बार ऐसा, पहली बार हुआ है 6-6 7-7 सालों में, सालों में नहीं करोड़ों में, नहीं, इतना तो है नहीं भी, 6-6 7-7 महीनों में गोल्ड नहीं मिला। चलो कोई नहीं, डायमंड भी ज्यादा था, पर हर बार यही होता था साला, कि मैं दोबारा खोल लूँ कि हर बार मुझे कोल मिलता था, इस बार डायमंड और आयरन भरा खड़ा है। इतने सारे डायमंड मिले तो इसी बात पे एक और मीम देखा जाए। चलो शुरू करते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक म्यूजिक सेक्रेटरी। माल मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये मीम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये मीम सिर्फ फन के लिए था, टीएम की ओसी मीम, तो प्लीज इसको सीरियसली ना लेना कोई। तो चलिए अभी देखते हैं क्या हम लोग करेंगे, हेलमेट बनाएंगे डायमंड का, क्या होगा सिटी, अब देखा जाए। अब पहले बाहर निकल जाए यहाँ से, उजियाले की तरफ आ जाए, उजाले की तरफ। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे हेलमेट, क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत है शायद, सबके लिए क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत है, तो क्राफ्टिंग टेबल लगा दे रहे हैं, जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल लगा दें। देखा जाए यहाँ पे अब क्या हुआ है, वाला है।
हेलमेट मिल जाएगा, हेलमेट ले लेना है, ये भी आ जाएगा, तो चलो इसके लिए भी ये भी ले लेना है। अब आहा बूट्स भी आ गए हैं, ये डायमंड एक्स तो आ नहीं पाएगी। हाँ तो भी देखते हैं, इतने सबको इतना सबको ले देखते हैं। भी हेलमेट पहना दे रहे इसको पहले बंदे को, पहले ट्राउजर, अब हेलमेट और अब बूट्स। अब बूट्स पहन ले भैया, जूते जूते तुम्हारे लिए, हिंदी वाले जूते पहन लो भाई। ने तुम डायमंड बूट्स, चार ही डायमंड बचे हमारे पास और तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटे जरूर दबा देना जिससे कि आने वाली वीडियो का मेरी नोटिफिकेशन मिले आप लोग को सबसे पहले। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड और सब लोग ठीक ही रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम एंड व्यू। थैंक यू थैंक यू।